फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं, आप देख के समझ गए होंगे। ये देखिए, मैंने इमली भिगो लिया है पानी में, या सोख करके रात भर के लिए रख सकती हैं, या फिर गर्म पानी में भी डालेंगी तो जल्दी से भीग जाएगा और फूल भी जाएगी इमली आपकी। तो ये देखिए, मैंने इमली को भिगो लिया है। 3 बड़े आलू ले लिए हैं। ये देखिए, मैंने सफ़ेद मटर को भिगो लिया था रात भर के लिए, इसको ले लिया है। पानी पूरी मैं बना रही हूँ आपको। आज मैं पूरा पानी पूरी आपको बताऊँगी, इसका पानी भी कैसे बनाना है और पूरी भी कैसे बनानी है। इसकी आलू की, मतलब आलू और मटर की जो भरने के लिए सब्जी रहती है वो कैसे बनानी है, मैं सब आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने ये धनिया, पुदीना और मिर्च, हरा मिर्च का पेस्ट है, मैंने पेस्ट बना लिया है। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का, ये हल्दी, नमक, काला नमक, यह जीरा। जीरा को हम अभी भून लेंगे तो इसका भुना हुआ पाउडर मिल जाएगा हमको। ये काला नमक है, इसको पानी में डालेंगे तो पिघल जाएगा। ये है सूजी, आप देख सकते हैं, इसी सूजी से हम बनाएंगे पूरी। अभी हम सबसे पहले आलू और मटर को उबाल लेंगे 2 सीटी आने तक, या मटर गलने तक हम उबालेंगे इसको। ये देखिए, अभी हम सबसे पहले पानी को तैयार कर लेते हैं। ये भुना हुआ जीरा, हम जीरा को भून लीजिए, पीस लीजिए। अभी हम इमली का पानी निचोड़ लिए, ये इमली का खट्टा पानी है, इमली से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, 2 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। अभी हम काला नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, आपको जैसा पसंद हो वैसा डालें, मैं पूरा डाल रही हूँ। अभी हम इसमें ये हरी चटनी डाल देंगे अपना, ये देखिए, ये हरी चटनी पुदीने की है, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च की, इसमें तीखा भी है, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से चटनी बनाइए आप। अभी हम सबको मिला लेंगे, देखिए कितना अच्छा है चटनी हमारा, पानी का, पानी पूरी वाला पानी रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे अभी। अभी हम पूरी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। ये देखिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब मोयन के लिए हम इसमें तेल लेंगे, ये देखिए 2 चम्मच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस हल्का सा। अभी हम इसको अच्छे से हाथों से ऐसे क्रम्बल कर लेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो थोड़ा सा मिक्सर में चला लीजिए एक बार, बस हो जाएगा आपका बारीक सूजी। ऐसे हल्के हाथों से मैं ऐसे सभी जगह मिला लेंगे। ये हम सिर्फ सूजी से ही बना रहे हैं, सब लोग आटा, मैदा ये सब डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, आपको यही से दिखाऊंगी। सिर्फ सूजी से भी गोलगप्पे बहुत ही कुरकुरे और अच्छे बनते हैं। ये देखिए, एकदम बाहर के जैसा, जैसे बाहर में मिलता है बाज़ार में, उसी के जैसे, ये देखिए मिल गया है। अभी हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके, हम पानी गुनगुना पानी लेंगे, ठंडा पानी नहीं लेंगे, हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे, उसी से हम गूंथेंगे। ये देखिए, अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको हल्के हाथों से गूंथेंगे। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा हम पानी मिला के ऐसे हम रख देंगे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जितना पानी इसको चाहिए रहेगा पानी सोख कर लेगा। उसके बाद हम फिर इसका आटा अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी हम और डाल के बस इसी तरह रख देंगे, ये इसका पानी साफ सूख जाएगा अच्छे से, एब्जॉर्ब कर लेगा ये पानी अपना। उसके बाद हम इसको गूंथ के अच्छे से आटा तैयार करेंगे इसका, अब इसके पे हम ऐसे ढक देंगे 10 से 15। ये देखिए, हमने तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया गर्म होने के लिए, ऐसे जीरा का कलर चेंज हो रहा है वैसे हम ये मटर डाल देंगे और आलू। ये देखिए, आलू को हम मैसर से मैश कर लेंगे, ये देखिए इसी तरीके से। अभी हम इसमें नमक डालेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा मैं हरा चटनी डाल दूंगी, इसमें टेस्ट आ जाएगा, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, ये देखिए। अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार,
अभी हम सारे इस चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा सब्जी लगभग रेडी हो गया है, बस एक उबाल आएगा बस हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा अपने आप। मैंने आलू को देखिए मैश कर लिया है, गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा बस उबल जाए बस इसको हम बंद कर देंगे। अभी हम हमारा सूजी का वो डो रेस्ट करने के लिए रखे थे, वो हो गया होगा 15 मिनट। अभी हम उसको देखते हैं, गूँथ लेते हैं अच्छे से, पूरी की तैयारी कर लेते हैं। आलू की सब्जी हमारी रेडी हो गई, छोले ये देखिए एकदम सख्त हो गया है, पूरा पानी इसने सोख कर लिया है, पूरा देख सकते हैं एकदम हार्ड हो गया है। अभी इसमें मुझे हल्का हल्का पानी डाल डाल के गूँथ अरे आटा को लगाना पड़ेगा, गूँथना पड़ेगा। देखिए इसी तरीके से एकदम मसल मसल के हमको 10 मिनट तक इसको गूँथना पड़ेगा। 10 मिनट में एकदम अभी जो ऐसा फैला फैला लग रहा है ना खुजरी खुजरी, तो ये एकदम डो आटे की तरह डो के फॉर्म में आ जाएगा जैसे आप 10 मिनट तक गूँथते रहेंगे इसको। इसमें मेहनत थोड़ा लगता है लेकिन हाँ, घर का पूरी आप जब तैयार करेंगे ना तब आपको लगेगा कि मैंने बाहर से नहीं लाया, बाहर का पता नहीं कैसा तेल रहता है क्या रहता है। इसलिए आप इस तरीके से जब घर पे पूरी बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी और खाने में भी स्वाद अलग लगेगा। वो लोग का तेल बहुत दिन का रहता है इसलिए खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हम गूँथते जाएंगे, गूँथते जाएंगे, गूँथते गूँथते 10 मिनट तक इसको लगातार आप गूँथिए, एकदम अच्छा सा डो, एकदम नरम सा डो आपको मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा ये आटा गूँथ के 10 मिनट तक मैंने गूँथा है, कितना अच्छा देख सकती हैं आप, कितना अच्छा मुलायम सा डो रेडी हो गया है। इसी तरीके का हमको आटा चाहिए था। अभी हम इसको छोटी छोटी पूरियाँ बना लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ये हो गया है। अभी छोटी छोटी लोइयों को हम ऐसे तोड़ तोड़ के, इतनी बड़ी बड़ी लोइयों को हम ऐसे ऐसे हम पूरी बनाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी पूरियों को बना लेंगे। ये देखिए कि ऐसे ही हमें छोटी छोटी पूरियाँ बनानी हैं। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकती हैं लेकिन पूरी इतनी ही बड़ी होती है पानी पूरी की, ताकि ये मुँह में जा सके, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी तो जा नहीं पाएगी। देखिए इसी तरीके से इतनी थिकनेस इसकी रखनी है। अभी हम इसको गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं। तेल हम गरम होने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए हमने तेल डाल दिया है गरम होने के लिए, एकदम से गरम हो गया है ये। ये देखिए अभी हम बीच बीच में इसको ऐसे ऐसे करेंगे ताकि ये फूल जाए। देखिए फूल गई है कितनी अच्छी से। अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, ऐसे और डालेंगे हम दो चार करके उसके बाद, ताकि ये कुरकुरी हो जाए, उसके बाद हम पलट लेंगे। देखिए ऐसे हिलाते रहेंगे तो ये फूल जाएगी। ये देखिए अभी हम फिर ऐसे दूसरा डाल देंगे। ये देखिए इसी तरीके से, ये देखिए ऐसे हिलाते रहेंगे। ये देखिए वो भी फूल गया। ये देखिए इसको भी हम डाल देंगे। ये भी फूल गया हमारा, देख सकती हैं आप कितना अच्छा ये कलर आएगा। अभी मैं पलट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हम इसको ऐसे कुरकुरा होने तक, जब आपको लगे कि हाँ ये कड़क हो गया है पूरी, तब आप इसको निकाल लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा सा ये क्रिस्प हो गया है, आप देख सकते हैं। बाजार से भी अच्छी पूरी घर में बनती है। देखिए सभी हमारे गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं, कुछ हो गए हैं, जो हो गया है उसको निकाल लेती हूँ मैं, नहीं तो जल जाएगा। ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, ये हमारा पूरा कड़क हो गया है इसी तरीके से। अभी इसको हम उलट पलट के इसको भी हम कुरकुरा कर लेंगे। देख लीजिए कितना अच्छा ये पूरी बना है। इसी ऐसे ही हम सारी पूरियों को तल लेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये देखिए हमारा पानी पूरी सब रेडी हो गया है।
बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी बनाइए।